आज आपके द्वारा नामांकन किया जा रहा है जो है, क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में जो है, और किस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी ने आपको विश्वास जताया है, तो क्या आपकी प्राथमिकता होगी? यूथ कॉर्नर में आपका स्वागत है। आजमगढ़ भाजपा सदर प्रत्याशी अखिलेश मिश्र गुड्डू पहुंचे नामांकन स्थल, अपने प्रस्ताव तो संत किया नामांकन। नामांकन के बाद 40 साल सदर बिहार का नारा देते हुए सपा पर साधा निशाना, कहा बीते पिछले बरसात के मौसम में सदर को जो हाल रहा है, जनता को अपने छतों पर जाना और पलायन तक करना पड़ा है। जो विधायक खुद की घर की सड़क नहीं बना सका, वह क्या विकास करेगा? इस विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी की सीट बनेगी और चुनाव जीतने के बाद सबसे प्रथम प्राथमिकता सदर विधानसभा का सर्वांगीण विकास का होगा। आजमगढ़ से पद्माकर पाठक की खास रिपोर्ट। के मुद्दे तो साफ जाहिर हैं, मैंने नारा दिया है कि आजमगढ़ में 40 साल और सदर बेहाल। 40 साल में जो हमारे क्षेत्र की विधानसभा की दुर्गति है, जो पिछले बरसात में आपको देखने के लिए मिली है, लोगों को दूसरे तल पे जाना पड़ा, घर छोड़कर गांव के लिए पलायन करना पड़ा शहर से, और उनके गांव की तरफ की सड़कें बेहद ख़राब हैं, और 40 साल में जो विधायक अपने घर की सड़क नहीं बना पाया, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? ये सब सारे मुद्दे हैं हमारे। कितना उम्मीद है इस बार चुनाव में जो है, कितनी सीटें भाजपा जीत रही है आजमगढ़ में? आजमगढ़ में सर्वाधिक सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की सीधी लड़ाई है, और भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम सीटें इस बार जीतेगी। कोई आपराधिक मुकदमा आप पर या जो संपत्तियों का हिसाब किताब सब आपने दे दिया है? नहीं, कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है, और जो संपत्ति है वो सबका रिकॉर्ड दिया गया। कैसे नामांकन कर रहा? 4 सेट में।